हेलो दोस्तों, अभी आपने जो एक अमेजिंग वीडियो देखा उसके लिए मैंने इस पीपीटी का इस्तेमाल किया हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पीपीटी में मैंने ये इफेक्ट तो बनाया हूँ, लेकिन इसके अंदर ये पहली स्लाइड है, इसी के अंदर 3 से 4 वीडियोस मैंने एकोमोडेट किए हैं। ओके, अब ये जो बल्ब आप देख रहे हैं वो एक वीडियो है। ओके, ये जो घड़ी है जो चल रही है, 24 घंटे चलने वाली एक घड़ी थी, जिसको मैंने 5 सेकेंड का वीडियो क्रॉप करके और उस वीडियो को शेप देकर जो है मैंने यहाँ पर, जैसे कि आप बताओ, आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर ये वीडियो का हम शेप भी यहाँ पर दे सकते हैं, और इस तरह से ये घड़ी का शेप जो है गोल करना है, उस तरह से उसको वीडियो को जो स्क्वायर में था उसको ओवल में या फिर गोल मैंने शेप दिया हूँ। अब जो है उसके बाद ये बल्ब, ओके, इसका बैकग्राउंड ब्लैक था इसलिए पूरा ब्लैक बैकग्राउंड रखा है ताकि रात दिखा सकूँ। और ये जो आप दिया देख रहे हो छोटा सा बाजू में, तो ये दिया भी एक वीडियो है। ओके, उसको जीफ में कन्वर्ट किया है। मैं आपको बताऊं कि जो है अगर आप जाएंगे सिंपली, जब गूगल में जाएंगे आप, ओके, आज यूट्यूब टू MP3 वीडियो का भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो और या फिर जीफ मेकर में आप अगर जाएंगे तो सिंपली जो है आपको फर्स्ट वाली जो क्लिक मिलेंगे EZGIF, इसके अंदर आप जीफ वीडियो बना सकते हैं, तो उस तरह से जो है उसका साइज़ भी कम लगेगा। तो ये 3-4 वीडियोस को एक साथ एक स्लाइड में रख कर फिर उसके बाद हमने ये पूरे अदर स्लाइड जो है मैंने PPT के अंदर ही बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है दिया और करोना जब एक साथ आकर मिलेंगे, तो उसके लिए आपको पहले स्लाइड में जो है कॉर्नर में एक दिया यहाँ पर और फिर यहाँ पर जो है एक कोरोना वायरस छोटा करके रखना है। जैसे कि मैं आपको बढ़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक कॉर्नर में छोटा करके रखना है और यहाँ पर दिए को भी छोटा करके रखना है, और फिर जो है दूसरे स्लाइड में वो एक साथ आएंगे। लेकिन उसके बीच में जो है फर्स्ट और सेकेंड स्लाइड के बीच में, सेकेंड स्लाइड को ट्रांजिशन देना है, इसलिए आप ट्रांजिशन में जाएंगे और हमारा फेवरेट इफेक्ट मॉर्फ लेंगे, और फिर इफेक्ट ऑप्शन के बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो स्मूथली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास आएंगे। और उसके बाद जो है थर्ड स्लाइड के अंदर उसको जो है इफेक्ट देना है, हमको एनिमेशन वाला इफेक्ट देना है थर्ड स्लाइड के अंदर, जैसे कि कंटिन्यूसली मूव होने वाला जो है, अगर हम एनिमेशन के अंदर देखेंगे तो मैंने उसको पल्स वाला इफेक्ट दिया था, और वो आपको मिलेगा एनिमेशन के अंदर एम्फेसिस के अंदर पल्स। ओके, अब उसके बाद जो है फोर्थ स्लाइड को जो है हमको एनिमेशन चेंज करना है, और फिर उसको टीटर वाला इफेक्ट देना है, एनिमेशन, एम्फेसिस और टीटर। और उसके बाद फिफ्थ स्लाइड में अब दोनों एक दूसरे के पीछे जैसे कि हाइड एंड सीक खेलते हुए जा रहे हैं, इस तरह से जो है आपको उस डायरेक्शन में उनको रखना है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर कॉर्नर में रखा, तो दोनों दिया भी उसके साथ पीछे पीछे भागेगा, और फिर उसके बाद जो है इस इफेक्ट में जो है हमने उसको यहाँ लिया था, तो हम जो है इस दिया का जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और उस तरह से वो चेंज होता हुआ जो आएगा। ओके, पहले ऐसे था तो हम उसको यहाँ पर लेंगे और फिर जो है उसको यहाँ जो ये मार्क दिख रहा है, ओके, उससे हम इस तरह से रोटेट करेंगे और फिर उसको जो है उसके नज़दीक लेंगे। ओके, हो सकता है कि ये जो चीफ इमेज है उसको आप, ये फ्रंट में आता होगा ऐसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करना है। ओके, तो इस तरह से ये और नज़दीक आपको दिखाई देगा, और फिर उसको नीचे लेना है थोड़ा सा उल्टा दिए को करके, थोड़ा सा ह्यूमर या फन क्रिएट करने के लिए। ओके, और फिर हमको क्या करना है, दोनों साथ में जा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या दिखेगा कि पहले करोना जा रहा है, तो फिर इस स्लाइड में क्या करें, इस करोना को जो है वो ऊपर ले ले फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और ये स्लाइड में दोनों को साथ में ना ले ले, सिर्फ करोना को ले ले, और ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देंगे। ट्रांजिशन वाला जो इफेक्ट है मॉर्फ वाला, वो सभी स्लाइड को अप्लाई करना है आपको। ओके, और फिर दूसरे स्लाइड में जो है ये दिया ऊपर जाएगा, उसके बाद सिर्फ जो है आपको क्या करना है, करोना को जो है बाजू में लेना है। ओके, जैसे कि आप देख पाएंगे इस स्लाइड में एक दूसरे के साथ में है, और 9th वाले स्लाइड में और 10th वाले स्लाइड में जो है आप सिर्फ करोना इधर है और दिया इधर है, और फिर 11th वाले स्लाइड में जो है दोनों को हम पास ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये घड़ी के नज़दीक। ओके, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को भी जो है साथ में घड़ी के पीछे छुपा देंगे। ओके, तो और स्मूथ ट्रांजिशन वाला इफेक्ट दे देंगे, और फिर सिर्फ दिया बाहर आएगा जीतने की खुशी में। ओके, और ये स्माइली ले लेंगे हम, और फिर जो है उसको हमको इफेक्ट देना है एनिमेशन के अंदर जाकर, फेड वाला इफेक्ट देना है हमको। ओके, एग्जिट के अंदर फेड वाला इफेक्ट।
ध्यान में रहे आगे के स्लाइड में एग्जिट वाला इफेक्ट आपको देना है, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये कोरोना को बाहर लाएंगे। वो जो वो एग्जिट होगा निकल जाएगा कि चलो मैंने कोरोना को मार दिया, लेकिन कोरोना बाहर आएगा, और कोरोना बाहर आने के बाद जो है ये इमेज आपको ऊपर लगानी है। ओके, ये स्माइली जीफ लेना है, GIF आपको गूगल से भी डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, उसको एग्जिट इफेक्ट देना है, और फिर एक वीडियो है, इसके अंदर एक वीडियो डाला है मैंने जो कि ओवल शेप में किया हुआ है। ओके, स्क्वायर शेप में पहले एक वीडियो जो कि ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है। ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस का यूज़ कैसे करें, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है सिंपली क्या करें, हम यूट्यूब के अंदर जाए और यहाँ पर देखो ये फ्री गन बुलेट वगैरह ऐसे कुछ इफेक्ट है। ओके, और ये बुलेट वाला, तो ये, या फिर ये आग वाला। ओके, तो ये जो है सारे ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव कर सकते हैं ये सोनी वेगस के अंदर। तो इसको रिमूव कैसे करें, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कैसे करें वगैरह जो है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब उसके पहले वेट, मैं अगले स्लाइड को कुछ एक्सप्लेन करूँ एक 30-40 सेकंड में, और उसके बाद ये टेक्स्ट वाले इफेक्ट आपको डालने हैं। ओके, और इसको कैरेक्टर्स, इसके बीच में जो आपको ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देना है मॉर्फ, और इफेक्ट ऑप्शन के अंदर कैरेक्टर्स। ओके, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, वो फेड इफेक्ट की तरह आपको दिखेगा। अब ये जो वीडियो था सेकेंड, ये भी मैंने ग्रीन स्क्रीन का ही लिया था, इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लैक किया था, और उसको जो है ओवल शेप में वीडियो का शेप देख डालकर जो है वो करोना के बीच में यहाँ पर इस तरह से रखा था। और फिर ये तीन टेक्स्ट वाले हमको जो ये वीडियो अपना टेक्स्ट है वो हम बनाएंगे PPT के अंदर ही। ओके, तो इस तरह से जो 21 स्लाइड से ये स्लाइड बनी थी सिर्फ सोनी वेगस से सॉफ्टवेयर की, हमको थोड़ी सी हेल्प लेनी है। ओके, अब इस स्लाइड में और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जो इफेक्ट यहाँ पर था, इसके अंदर जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तब इन सबको जो है स्लाइड के बाहर रखना है, स्लाइड के अंदर के दोस्तों। और दोस्तों और एक चीज़ मैं बताता हूँ, चलो जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था कि YouTube के वीडियोस को या फिर किसी भी वीडियोस को MP3 में कैसे करें, तो जो है आपको सिंपली जो है YT2MP3 नाम का जो एक वेबसाइट है YT2MP3.cc, ओके, इस वेबसाइट पे जाना है और जो भी आपको कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे आप YouTube to MP3, YT MP3 जिसका नाम है YT MP3.cc। ओके, और इसके अंदर जो है आपको उस वीडियो का लिंक डालना है जो आप कुछ जो है सपोज इसका कुछ वीडियो है, तो इसको जो है आप कॉपी करें, और इस वीडियो के पीछे का जो ऑडियो है, सिर्फ आपको ऑडियो चाहिए, तो वो जो है आप यहाँ पर लिंक पेस्ट करें जिस वीडियो का आपको MP3 चाहिए, और फिर यहाँ पर सिंपली आप कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद जो है आप डाउनलोड करें, और जो है 1 सेकेंड के अंदर जो है ये नीचे टास्क बार के ऊपर जो है आपको दिखाई देगा कि ये MP3 एक्सटेंशन वाला वीडियो ये ऑडियो यहाँ पर इसकी क्लिप आपको डेस्कटॉप पे मिलेंगी। ओके, तो दोस्तों हमने देखा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो, लेकिन ग्रीन स्क्रीन को कैसे निकालना है वो अगले आने वाले बहुत ही अमेजिंग वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। एक बहुत ही बड़ा VFX वाला वीडियो मेरा आने वाला है अगला, और उसके अंदर हम सब सीखेंगे। और जो है आज हमने YouTube के वीडियोस को या किसी भी वीडियोस को MP3 में कैसे कन्वर्ट करें ये भी सीखा है, और PPT का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे वीडियोस कैसे बनाएं ये भी हमने देखा है। तो जो जो मैंने आपको बताया था वो इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट में बताया हूँ, ताकि आज तो वक्त सभी के पास है, लाइक स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स और सभी मेरे हित चिंतकों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा उसका फीडबैक दे, कमेंट दे, लाइक करे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करे अगर किया हो तो, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहे, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि लोग इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बने, एक्टिव बने, सेफ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।